नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी के ग्राहक हो तो देखें दोस्तों, इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ताओं के लिए काफी दिनों से कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही, और जो भी खबर हमें सुनने को मिलती है वो हमें ये मान लीजिए झूठी तारीख हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें इंडिपेंडेंट टीवी के द्वारा हमें दी जाती है कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को उस तारीख को रिज्यूम करेगा। और जैसे ही वो तारीख हमारी नजदीक आती है तो इंडिपेंडेंट टीवी हमारे सामने एक नई तारीख हमारे सामने रख देता है, और उसमें यही कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट टीवी इस तारीख को 101% सर्विस अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं, क्या इंडिपेंडेंट टीवी वाकई में अभी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को क्या स्टार्ट करने वाला है, और स्टार्ट करने वाला है तो इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को कब स्टार्ट करेगा, और क्या उसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, यह सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 50 रुपीज का पेटीएम कैश प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करते ही आपके अकाउंट के अंदर तुरंत ही 50 रुपीज का पेटीएम कैश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे इंडिपेंडेंट टीवी के सर्विस के बारे में, तो इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी 12 जून को जो बंद हुई थी वो इस प्रकार से बंद हुई थी कि वो आज तक हमारी स्टार्ट नहीं हो पाई। और इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में आप सभी को पता ही है कि इंडिपेंडेंट टीवी का काफ़ी बकाया चल रहा है, हमारा एंट्रिक्स को भी देना है और हमारी बैंक गारंटी को भी देना है, और हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज थी जो हमारी जो इंडिपेंडेंट टीवी के सेटअप बॉक्स के अंदर हमारी देख रेख करती है, सॉफ्टवेयर को अपडेट्स वगैरह करती है, जिसके कारण हमें फ्रिजिंग की जो कमी समस्याएं देखने को मिल रही थी उसके भी कुछ हमारे ड्यूज हैं जो इंडिपेंडेंट टीवी ने अभी भी क्लियर नहीं किए। तो इंडिपेंडेंट टीवी की जो सर्विस है वो हमें तभी हमें देखने को मिल सकती है जब इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सारी की सारी जो भी पेंडिंग्स हैं उसको दूर करे, और उसके बाद में इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकता है। टीडी सेट्स का भी देखिए, इंडिपेंडेंट टीवी के ऊपर ऑर्डर का कोई भी उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला, और हमने आपको यहां तक भी बता दिया था कि इंडिपेंडेंट टीवी का जो लाइसेंस है वो टेम्परेरी तौर पर हमारा रद्द कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, और गवर्नमेंट ने साफ साफ बिल्कुल ये मान लीजिए चेतावनी दे दी थी इंडिपेंडेंट टीवी को कि इंडिपेंडेंट टीवी अगर अपनी सर्विस को जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट टीवी का जो लाइसेंस है वो टेम्परेरी तौर पर रद्द किया गया है, उसको परमानेंट भी हमारा रद्द किया जा सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट टीवी की अपनी देख ली सर्विस को स्टार्ट करने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखिए दोस्तों, जो लीक्स निकल के आए उस लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इंडिपेंडेंट टीवी का कहना है कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल ये मान लीजिए नए सिरे से स्टार्ट करने वाला है, और इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को ये मान लीजिए मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के रात को 12 बजे बाद में अपनी सर्विस को स्टार्ट कर देगा। पहले इंडिपेंडेंट टीवी का यही कहना आ रहा था कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी 15 अगस्त को सारी की सारी सर्विस स्टार्ट करने वाला है, जो भी पेड चैनल है वो भी स्टार्ट कर देगा, और जो भी अपने फ्री टू एयर जो चैनल्स हैं जो कि हमें डीडी के चैनल्स आते हैं वो भी हमारे 15 तारीख से हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इंडिपेंडेंट टीवी ने कुछ ये मान लीजिए अपने आप में बदलाव करके सामने जो लीक्स निकाले हैं उस बदलाव के अंदर इंडिपेंडेंट टीवी यही कह रहा है, इंडिपेंडेंट टीवी की टीम से यही बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट टीवी की जो सर्विस है हमारे मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त से हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी, और वो देखिए आपको पूरे के पूरे चैनल उसके अंदर देखने को नहीं मिल सकते, उसके अंदर केवल आपको फ्री टू एयर वाले चैनल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी डीडी के चैनल है वो आपको दिखाए जाएंगे, और कुछ समय बाद हमारे इंडिपेंडेंट टीवी के जो भी पेड चैनल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द से जल्द। तो देखिए दोस्तों, ये तो कोई भी कंफर्म नहीं कहा गया कि जो पेड चैनल है वो हमारे कितने दिनों के बाद में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जल्द से जल्द का जो समय है वो हमें ये मान लीजिए कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा, यानी कि जल्द से जल्द का समय करते करते तो इंडिपेंडेंट टीवी ने 2 से 2.5 महीने हमारे निकाल दिए, और अब ये यानी कि मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त से हमारी सर्विस को रिज्यूम करने वाला है, तो उसके बाद में भी हमें पेड चैनल अगर हमें नहीं दिखाए जा रहे तो वो पेड चैनल का हमें कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा, और कितने समय के बाद में हमें वो पेड चैनल हमें देखने को मिलने वाले, ये सारी की सारी जानकारी देखिए दोस्तों हमारी हो सकता है हमारी 15 अगस्त के बाद हमें पता लग सके, या फिर हो सकता है हमें 16 तारीख के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो पक्का है कि इंडिपेंडेंट टीवी ने भी ठान लिया है कि हाँ मैं अभी जिंदा हूं और मैं दोबारा से अपने आप को दोबारा से रिलॉन्च कर रहा हूं। रिलॉन्च के बारे में देखिए इंडिपेंडेंट टीवी ने कह दिया था, इंडिपेंडेंट टीवी अपने आप को इंडिपेंडेंट टीवी 2.0 के नाम से लॉन्च कर रहा है, और सेटअप बॉक्स की भी ये मान लीजिए उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सेटअप बॉक्स की जो प्रक्रिया है एक्सचेंज करने की वो भी जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट
टीवी अपनी स्टार्ट करने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट टीवी का जो अब लीक्स निकल गया है उसके अकॉर्डिंग अगर सेटअप बॉक्स चेंज करने की बात करें तो इतनी जल्दी यानी कि हमारे सेटअप बॉक्स हमारे रिप्लेस नहीं किए जा सकते। तो हो सकता है हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की जो फ्रिक्वेंसी है उसी फ्रिक्वेंसी पे इस समय इंडिपेंडेंट टीवी अपने आप को स्टार्ट करे और उसके बाद में इंडिपेंडेंट टीवी अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता है, अपने बॉक्स में चेंजेस करता है, या अपनी मान लीजिए अलाइनमेंट में चेंजेस करता है, या अपने जो भी सैटेलाइट है उसके अंदर वो मान लीजिए नए सैटेलाइट परचेज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करता है वो तो देखिए हमें हो सकता है जब हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी स्टार्ट कर दी जाए उसके बाद में हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर इंटीमेट कर दिया जाए कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस के अंदर क्या चेंजेस किया जा रहा है और क्या इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें रेगुलर देखने के लिए हमें क्या उसके अंदर हमें करना पड़ेगा, हमारा सेटअप बॉक्स हमें चेंज करना पड़ेगा या हमें हमारा अलाइनमेंट हमें सेट करना पड़ेगा या हमारे को ये मान लीजिए हमारे कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर हमें हमारा चेंजेस करना पड़ेगा या हमें इंडिपेंडेंट टीवी की ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमें हमारे सेटअप बॉक्स एक्सचेंज की रिक्वेस्ट हमारी हमें इंडिपेंडेंट टीवी के पास भेजनी है। जो भी ये चेंजेस करना हो तो देखिए हमारी सर्विस रिज्यूम होने के बाद में ही हमें हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जो फिलहाल जो लीक्स निकल के आए हैं उस लीक्स के अकॉर्डिंग अगर इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त से स्टार्ट की जाती है तो देखिए हमारी इसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट कर ही रहा है तो देखिए दोस्तों, वो अपने सारी की सारी ये देखिए इतना चेंजेस इतना फास्टली नहीं कर सकता, ना कि वो इतना ज्यादा मात्रा में अपने सेटअप बॉक्स को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही ये मान लीजिए कस्टमर के अलाइनमेंट को वो चेंजेस कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की ट्रांसपोंडर को नए परचेज करके वो ट्रांसपोंडर की अपने सेटअप बॉक्स के अंदर फ्रिक्वेंसी वो एंटर कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार का कोई भी चेंजेस इंडिपेंडेंट टीवी रिसेंटली नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर इंडिपेंडेंट टीवी वाकई में अपनी जबान पर रहता है तो 15 अगस्त से अगर मिडनाइट से अगर इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस स्टार्ट करता है तो इसी हमें इसी अलाइनमेंट के ऊपर इसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमें इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों यही छोटा सा लीक्स निकल गया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि इंडिपेंडेंट टीवी अभी जिंदा है और इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को बहुत जल्द यानी कि मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त से अपनी स्टार्ट करने वाला है और वो बहुत जल्द अपने पेड चैनल को भी हमारे सामने ये मान लीजिए रखने वाला है या हमारे सामने डिस्प्ले करने वाला है। लेकिन जो पेड चैनल की जो डिस्प्ले करने की जो तारीख है वो हमें नहीं बताएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दिया गया कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारे मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त से हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।